नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। दोस्तों, बिहार में राजद जिन 15 सीटों में कम मार्जिन से हारी है, क्या उसमें रिकाउंटिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। आज की सबसे पहली खबर, बिजली महंगी होगी, बिजली की दर 20% तक बढ़ाने की तैयारी, प्रस्ताव बनाने में जुटी कंपनी। जी हां, राज्य की बिजली 1 अप्रैल 2021 से महंगी हो जाएगी। बिजली कंपनी 10% से 20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव देने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक 30 नवंबर तक वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विद्युत विनियामक आयोग को साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रस्ताव जमा करेगी। अभी तक प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। 15 नवंबर तक प्रस्ताव जमा करना था, लेकिन प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं लेने के कारण बिजली कंपनी ने आयोग से 15 दिन समय बढ़ाने का अनुरोध किया है। राज्य में 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। बिहार में धुंध के साथ बढ़ेगी ठंड, गया का न्यूनतम पारा 8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। राज्य में मौसम विभाग का अनुमान है कि बिहार में आने वाले 48 घंटे में ठंड बढ़ेगी, न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट आ सकती है। उत्तर पश्चिम की तरफ से 17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही आने वाले 48 घंटे में धुंध छाई रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर देश के मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। इससे उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है। इसकी वजह से चलने वाली ठंड हवाओं का असर दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको बता दें कि बीते 3 दिनों के अंदर न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। रविवार को गया का तापमान सबसे कम 8 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को पटना का अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री होने का अनुमान है। इसके साथ ही आसमान में धुंध रहेगी, विजिबिलिटी भी 1200 मीटर होगी। अशोक चौधरी पर तेजस्वी का निशाना, बोले साहित्यिक चोरी के मामले में दोषी को नीतीश ने बनाया शिक्षा मंत्री, पत्नी के खिलाफ भी जालसाजी का आरोप। राजद नेता तेजस्वी यादव ने अब बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी पर निशाना साधा है। ट्वीट के जरिए तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के मुकुट मणि बने जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी साहित्यिक चोरी के मामले के दोषी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री श्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट में केस है, इनकी निष्पक्षता देखिए। कहते हैं कि बीबी का भ्रष्टाचार नॉट ए बिग डील। बिहार विधान परिषद के नए सदस्यों ने ली शपथ, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी रहे मौजूद। 23 नवंबर यानी आज से होगा सत्र शुरू। जी हां, विधान परिषद के 8-9 निर्वाचित सदस्यों को रविवार की दोपहर 12:30 बजे में शपथ दिलाई गई। विधान परिषद कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने नए सदस्य को शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जीतन राम मांझी समेत अनेक नेता मौजूद रहे। शपथ समारोह के दौरान न तो हॉल में न ही मंच पर सोशल डिस्टेंसिंग दिखी। आपको बता दें, जदयू से जीतने वाले में देवेश चंद्र ठाकुर और पूर्व मंत्री नीरज कुमार है, जबकि भाजपा की ओर से प्रोफेसर नवल किशोर यादव और डॉक्टर एके यादव ने जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा है, वहीं लेफ्ट पार्टी से केदारनाथ पांडे और प्रोफेसर संजय कुमार सिंह विधान परिषद पहुंचे हैं। 8 सदस्यों के चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी की भी जीत हुई है, बतौर निर्दलीय सर्वेश कुमार विजयी हुए हैं। जनवरी के अंत तक 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की पूरी होगी बहाली प्रक्रिया। दिसंबर 2019 में सीटीईटी उत्तीर्ण को मौका नहीं। जी हां, 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली जनवरी 2021 तक हो जाएगी। फाइनल मेगा सूची 9 दिसंबर तक प्रकाशित होगी। इसके बाद दिसंबर के अंत तक या जनवरी की शुरुआत में काउंसलिंग पूरी हो जाएगी। काउंसलिंग के आधार पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीएलएड और बीएड पास अभ्यर्थियों की फाइनल सूची 9 दिसंबर तक प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी डीएलएड अभ्यर्थी की तरह कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने का मौका दे दिया है।
दिसंबर 2019 में सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहाली में शामिल होने के मामले पर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है। 25 नवंबर को फैसला आएगा। माना जा रहा है कि दिसंबर 2019 में सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहाली में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। राजधानी में चलेगी 150 सरकारी सीएनजी बसें, प्राइवेट मालिक भी डीजल बस को कराएंगे कन्वर्ट। परिवहन विभाग शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक से अधिक सीएनजी बसें चलाएगी। सीएनजी बसों का लाभ देखते हुए 150 और सीएनजी बसें चलेगी। साथ ही प्राइवेट बस मालिक अपनी डीजल बसों को सीएनजी में परिवर्तित करा सकते हैं। अनुमान के मुताबिक पटना में करीब 200 डीजल बसों को सीएनजी में कन्वर्ट कराया जा सकता है। इसके लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया चल रही है। जनवरी से बसें ऑन रोड हो जाएगी। सीएनजी बसों का किराया भी डीजल बसों से कम होगा क्योंकि डीजल की तुलना में सीएनजी सस्ता पड़ता है। हालांकि अभी जो सीएनजी बसें चल रही है उनका किराया डीजल बसों के बराबर है। इसी समय निगम की 130 डीजल बसें पटना में चल रही है। इन बसों में भी सीएनजी किट लगाई जाएगी। अभी परिवहन निगम के द्वारा शहर में 20 सीएनजी बसें चल रही है। बड़ी खबर, राज्य के मुजफ्फरपुर में दिल्ली से भी अधिक प्रदूषण, AQI 331 तक पहुंच गई है। छठ की आतिशबाजी के बाद 431 तक पहुंची हवा में PM 2.5 की मात्रा। जी हां, छठ पर हुई आतिशबाजी के कारण शहर में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है। शनिवार की सुबह वायु की गुणवत्ता गिरकर दिल्ली से भी बदतर और 331 पर पहुंच गई है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 264 था। यहां कलेक्ट्रेट स्थित प्रदूषण जाँच केंद्र के आंकड़े के अनुसार शहर में हवा में PM 2.5 का स्तर अधिकतम 431 आंका गया है। यह बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। हालांकि दिवाली में यह अधिकतम 500 हो गया था। प्रदूषण का यह स्तर स्वस्थ लोगों की सेहत खराब करने के लिए काफी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार के 5 करोड़ गरीबों को मेदांता में मिलेगी इलाज की सुविधा। जी हां, बिहार में 5 करोड़ गरीबों को मेदांता अस्पताल में इलाज कराने की बेहतर सुविधाएं जल्द मिलेगी। पटना में संचालित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मेदांता में आयुष्मान भारत योजना के तहत निबंधित गरीब परिवार अपना इलाज करा सकेंगे। इस नवनिर्मित अस्पताल में अभी आउटडोर की सुविधा दी जा रही है। अगले 2 माह में यह इंडोर इलाज की सुविधा भी शुरू जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य में 1,08,00,000 परिवार लाभार्थी है। इनमें कुल 5,50,00,000 व्यक्ति लाभ के दायरे में आते हैं। इन राज्य के व राज्य के बाहर भी सरकारी व निबंधित निजी अस्पताल में इलाज की सुविधाएं हासिल है। साल भर बंद रहे स्कूल, अभिभावक देते रहे कंप्यूटर व लाइब्रेरी शुल्क। जी हां, छात्र स्कूल जाए या ना जाए शुल्क तो पूरा भरना होगा। कुछ ऐसा ही राजधानी के स्कूलों में दिखा। कोरोना के कारण भले साल भर स्कूल बंद रहा, ऑनलाइन पढ़ाई घर से हुई, विद्यार्थी एक भी दिन स्कूल नहीं गए। इसके बावजूद अभिभावक से हर तरह के शुल्क, मसलन कंप्यूटर के साथ लाइब्रेरी लैब आदि लिए गए हैं। ऐसे में अब परेशान होकर अभिभावक जिला शिक्षा कार्यालय पहुंचने लगे हैं। यह हाल कोई एक स्कूल का नहीं बल्कि तमाम स्कूलों का है। नाम नहीं छापने की शर्त पर एक अभिभावक ने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 4 से 5 GB डेटा हर महीने खर्च हो रहा है। इसके भी पैसे भरते रहे और स्कूल द्वारा कंप्यूटर का चार्ज भी लिया जा रहा है। स्कूल द्वारा मनमानी किए जाने के विरोध में अब जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जांच कमेटी तैयार की जाएगी। DPO मनोज कुमार ने बताया कि स्कूलों के इस तरह की मनमानी पर रोक लगाई जाएगी। अभिभावकों की शिकायत पर संज्ञान लिया जाएगा। जो शुल्क बच्चों के स्कूल जाने पर लिए जो चाहिए उसे स्कूल इस तरह नहीं वसूल सकते हैं। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में 385 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 230,632 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 5,800 कोरोना के एक्टिव मरीज है। वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 97 नए मामले सामने आए। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरने वालों का आंकड़ा 1216 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 462 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं।
कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को कोर्ट ने 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। अपनी अदाकारी से लाखों लोगों को हंसाने वाले भारती सिंह को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके पति हर्ष को भी सुबह ही जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया था। अब ताजा अपडेट के मुताबिक दोनों को कोर्ट ने 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुंबई की किला कोर्ट में भारती और हर्ष को पेश करने के लिए लाया गया था। एनसीबी ने न्यायिक हिरासत में रखने की मांग की थी। हालांकि भारती और हर्ष ने कोर्ट में अपनी बेल की अर्जी डाल दी है, जिसकी सुनवाई सोमवार यानी आज होगी। बिहार में 7200 करोड़ की लागत से बनेगा पहला 4-लेन एक्सप्रेसवे। 4 घंटे में तय होगी पटना की दूरी। जी हां, बिहार का पहला 4-लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से पटना होकर दरभंगा तक बनेगा। इसके बनने से राज्य के किसी भी हिस्से से पटना 4 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। करीब 7200 करोड़ रुपए की लागत से 205 किलोमीटर की लंबाई में इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए औरंगाबाद से पटना के बीच भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसका निर्माण मार्च 2021 तक शुरू होने और करीब 30 महीने में पूरा होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, विश्व बैंक की मदद से बिहार की शिक्षा व्यवस्था होगी दुरुस्त। शिक्षा विभाग ने दी 222 करोड़ रुपए की मंजूरी। जी हां, विश्व बैंक की मदद से प्रदेश में इनहेंसिंग टीचर इफेक्टिवनेस इन बिहार कार्यक्रम के तहत चल रही परियोजना के लिए शिक्षा विभाग ने 222 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की है। इस राशि से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की शिक्षकों की बेहतर के लिए विशेष शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकसित की जानी है। इस परियोजना में विश्व बैंक और राज्य की हिस्सेदारी 70-30 है। अगली बड़ी खबर, डिप्टी सीएम के उम्र के बाद अब सवालों के घेरे में ऊर्जा मंत्री की शैक्षणिक योग्यता। पढ़िए पूरी खबर। जी हां, मेवालाल के इस्तीफे के बाद बिहार के नए डिप्टी सीएम के बारे में किशोर प्रसाद की उम्र अजब गजब तरीके से बढ़ रही है। किसी 5 सालों में सिर्फ 1 साल बढ़ी तो किसी 5 साल में सीधे 12 साल बढ़ गई है। बीजेपी कोटे से बने नए डिप्टी सीएम की उम्र की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। उधर बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री सह सुपौल विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव की शैक्षणिक योग्यता अब सवालों के घेरे में आ गई है। सुपौल निर्वाचन क्षेत्र में विजेंद्र प्रसाद यादव ने वर्ष 2005 से लेकर 2020 तक के बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र में उच्चतम योग्यता संबंधी जो शपथ पत्र दिया है, वर्ष 2005 एवं 2010 के चुनाव में विजेंद्र यादव द्वारा शपथ पत्र में दिया गया उच्चतम योग्यता स्नातक विज्ञान भागलपुर विश्वविद्यालय से बताया गया है। वहीं वर्ष 2015 एवं 2020 के चुनाव में यादव द्वारा जो शपथ पत्र दिया गया है उसमें उच्चतम योग्यता में उच्चतर माध्यमिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वीरपुर जिला सुपौल बताया गया है। और अंत की बड़ी खबर, छठ खत्म होते ही एक्शन में आरजेडी के हारे हुए कैंडिडेट शक्ति सिंह यादव सोमवार यानी आज कोर्ट का रुख करेंगे। विधानसभा चुनाव में मामूली अंतर से हारने वाले आरजेडी के कैंडिडेट अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। छठ पूजा खत्म होने के बाद आरजेडी के हारे हुए उम्मीदवार अब न्यायालय का रुख करेंगे। हिलसा विधानसभा सीट से नजदीकी लड़ाई में मात खाने वाले पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव सोमवार को यानी आज पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे। बता दें कि हिलसा विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव मात्र 12 वोटों से जेडीयू उम्मीदवार से हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि उन्हें जानबूझकर हराया गया है। बता दें कि महागठबंधन के 21 प्रत्याशी मामूली अंतर से चुनाव में हार गए थे। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।